तो क्या है पन्नी चुप रह यार, कुछ कर धर ले, पढ़ ले, नौकरी नागरी कर ले कहीं। तो थारे नसीब में लिखवा कूड़ा उठाना। अबे पढ़ो लिखो कुछ करो जिंदगी में। भाइयों मेरी किस्मत में तो कूड़ा उठा ही लिखा है, क्या पता कूड़ा उठाते उठाते मेरी किस्मत चमक जाए, मैं भी एक दिन लखपति बन जाऊं। अरे हाँ तेरी तो सारी लखपति बन जाओ, कूड़ा उठाते हो तो ये बन जाएगा कूड़ा उठाने वाला लखपति। हम तो आते बने नहीं, हम पढ़ लिख के अब आओगे देखे देव नौकरी लग जाओगे हमारी। जाओ चुप लो, गांव का नाम रोशन कर ले। नसीम रहो कूड़ा चुकता चुकते ही यही लिखा था नसीम में, पूरी चुगना होगा ना। तुम कूड़ा उठाते हो और कुछ नहीं कर सकते। लो तालिब भाई आ गया हमारा लक्ष्य जिसके हमें 5 साल से इंतजार था। हम 5 साल पूरी मेहनत करने के बाद हम इस नौकरी के मुकाम पर पहुंचे हैं। चलते हैं देखते हैं क्या होता है। चलो तालिब भाई बताओ, देखिए तो वही लग रहा है जो साला उस दिमाग कूड़ी पे कूड़ा चुक रहा था। ये भैया करेंगे क्या है, गरीब लोग कूड़े चुक तक रहे। सही कर रहा है, तो चला ऐसे मिलता है। चलो इनका काम ही क्या है कूड़ा चुक तक रहेंगे। वैसे ओए खड़ा हो, खड़ा हो बे खड़ा हो। अबे इनकी गरीबी को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि कभी ये अमीरी नहीं है। आज मालिक की नौकरी कर रहा है, अगर हमारे कहने से पढ़ लिख रहता ना तो आज हमारे तरह सरकारी नौकरी पे होता। बुरे साले ऐसी मर जाएगा मालिक की नौकरी करते करते ही। हो गए तुम लोगों का। और तुम्हें इसका नतीजा भी दिखा दे कि हम इस मुकाम पर कैसे पहुंचे। एक दिन मैं कूड़ा उठाते उठाते एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां मुझे अंगूठी के अंदर नोट लिपटा हुआ मिला। मैंने नोट को खोल कर देखा, उसमें 500 का नोट था। उस 500 के नोट को मैंने खोल कर देखा तो उसमें से निकला एक मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड में कुछ ऐसा रास्ता जो आज मुझे इस मुकाम पर ले आया। मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ। ज़रूरी नहीं है कि कोई लोग पढ़ लिख के भी अमीर बन सके, कुछ लोग किस्मत से भी अमीर बनते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, काम सब होते हैं। और पीछे पीछे तुरती या फेमस कल। तो भाइयों हमें किसी को उसकी औकात से जज नहीं करना चाहिए क्योंकि किस्मत बदलते वक्त नहीं लगता।